All right, so what is up, everybody? It's me, Sayyid Junaid. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing good. You have a great time. So today I am here at Born Your Storm, as you can see behind me. तो एक्चुअली आज आपको ना इसकी इसके पीछे की हिस्ट्री बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारों लोगों को पता भी नहीं है, या कुछ लोगों को पता है लेकिन थोड़ा सा पता है इसकी पूरी हिस्ट्री, इसकी उस टाइम पे बनाने की कॉस्ट क्या आई थी, किसने बनाया है और क्यों बनाया है. सो लेट मी टेल यू द हिस्ट्री, लेट्स गो. ऑलराइट, तो हिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं यहाँ पे पहुंचा कैसे. तो मैं अभी हूँ दिल्ली में एंड आई एम ट्रेवलिंग सोलो हियर. तो बात ही ऐसी है कि झोला लेके कहीं भी चल पड़ेंगे जी. अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी. तो क्या, अपना झोला उठाया और 5-10 मिनट ऑटो में बैठकर मैं पहुंच गया जी हिमायूस टॉम. तो अंदर जाने के लिए आपको लेनी पड़ती है टिकट्स, जिसका प्राइस 40 रुपीज फॉर इंडियंस एंड 500 रुपीज फॉर फॉरिनर्स. तो मैं टिकट लेकर अंदर चला गया और अंदर आने के बाद भाई साहब पता चला कि दिल्ली में भी कोई सुकून की जगह है. थोड़े से एंटर होने के बाद दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, यू नो, ये मेन एंट्री तो ये है भाई. रास्ते में चलते चलते यहाँ पे मोदी जी से भी मुलाकात हो गई और मेन एंट्री से पहले यहाँ इतने बड़े दरवाजे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी किले के दरवाजे को खोल रहा हूँ. फाइनली पहुंच गया हिमायूस टॉम. फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ. यहाँ पे आप चेक करें, बहुत ही प्यारी जगह है भाई. वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस. लेट मी टेल यू द हिस्ट्री ऑफ दिस ब्यूटीफुल थिंग. एज यू कैन सी बिहाइंड मी देयर्स, यू नो, हिमायूस टॉम. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हिमायूं जो है वो इंडिया का एक टाइम पे मुगल बादशाह था. तो उसके मरने के बाद आफ्टर 14 ईयर्स उसकी बेगम ने ये इमारत बनाई उसके, यू नो, उसकी कब्र पे. तो उस टाइम पे कैन यू गेस इस अमाउंट, इस इमारत का कॉस्ट कितना आया होगा. उस टाइम पे इस इमारत का कॉस्ट अराउंड, यू नो, 1.5 इंडियन मिलियन रुपीज, लाइक 15 लाख रुपए उस टाइम पे इस इमारत की लगी थी कॉस्ट. जो इसका आर्किटेक्ट था उसका नाम मिर्जा मीरक गयाल था. और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, खाली इसमें हिमायूं को दफन नहीं किया गया, क्योंकि उसके बाद उन्हीं के फैमिली मेंबर्स को ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 कब्रें जो है उन्हीं के फैमिली मेंबर्स की है. इसका जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है, तो इर्द गिर्द सारे जो कब्रें हैं वो उन्हीं के फैमिली मेंबर्स को लेटर ऑन वो ऐड करते गए. ऑलराइट, सो ये रही थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री. अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ. तो अभी मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाता हूँ, जो कि उस जमाने में अंदाजा लगा सकते हैं कि दिमाग क्या था उस जमाने में. यहाँ पे आप चेक करें, अगर आप यहाँ पे चेक करें तो बाहर से आप इन खिड़कियों की तरह देखेंगे तो अंदर कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप अंदर से इन खिड़कियों की तरह देखेंगे तो बाहर सब कुछ दिखाई देगा. आप चेक कर सकते हैं हिमायूं का टॉम्ब है, हिमायूं की कब्र है. Right, this was all about today's video. I hope you liked this video. If you did, so don't forget to like, share. Please sarakabar, whatever. So I'll see you in the next video. Till then, assalamu alaikum, bye bye, take care.